सरायकेला खरसावां जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में प्रशासन द्वारा मास्क चेकिंग अभियान सह जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान वाहनों को रोककर मास्क चेकिंग किया गया है। वहीं पुलिस द्वारा लोगों के बीच मास्क भी वितरण किया गया। मास्क चेकिंग कर रहे एएसआई रंजीत प्रसाद ने बताया कि वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और बिना मास्क के पकड़े जाने पर फाइन के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तिरुंदी थाना क्षेत्र में हर गांव में जा जा कर मास्क का प्रचार किया जा रहा है और मास्क भी दिया जा रहा है और जो भी नहीं लगा कर चलते हैं मास्क खरीद के भी लगा के 100% आदमी बिना मास्क के किसी को तिरुंदी इलाका में नहीं चलने देंगे। रांची पुलिस ने बीते दिनों हुए 1,25,00,000 की लूटकांड का खुलासा कर दिया है। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के ओबेरिया रोड में सोना के कारोबारी से अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटे गए 1 करोड़ की लूट की गई थी। इस कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक ने पुलिस की टीम बनाकर अपराधियों को ट्रैक करना शुरू किया जिसमें 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अपराधियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है और इन अपराधियों ने लूट के पैसे आपस में बांट दिए हैं। इसके बावजूद पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूट के 74,00,000 रुपए भी बरामद किए हैं। हालांकि एक अपराधी अब भी फरार है जिसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। ज्यादा हो रही है तभी डकैती हो जाएगा और जो एक्चुअल अमाउंट की जो बात आ रही है जैसे कि सब 5-6 लोगों को बुला के पूछताछ किया गया तो 94,00,000 का सत्यापन हुआ है। कुल मिला के अमाउंट 94,00,000 था और इस बात की मोटा मोटी जो एफ आई आर में भी है वो तकरीबन 1 करोड़ की बात की जा रही है जो लिख के दिए हैं। तो संभव 94 की पुष्टि हुई है अभी तक जिसमें की पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी नगर थाने के पास एक निजी नर्सिंग होम में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चिकित्सक और मरीज के परिजनों के बीच हुई मारपीट के बाद नर्सिंग होम के कर्मियों ने सड़क पर उतरकर इस घटना का विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। फिलहाल मामले में चिकित्सक की ओर से नगर थाने में आवेदन दिया गया है जहां पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।